नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ गुलमर्ग, और वहां पे लेके जाने वाली हूँ दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, जो कि गुलमर्ग में ही बना हुआ है और स्नो कैफे है, बर्फ से बना हुआ है। और चलिए, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है। प्लीज अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी मेरा चैनल और मेरे वीडियो शेयर करें। और ये आ गए हम गुलमर्ग, और ये देखिए गुलमर्ग का नजारा, सब जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ की चादर लिपटी हुई है पूरी धरती पे, और बर्फ के पहाड़ और पेड़ों पे भी बर्फ। और ये आ गए हम जहाँ इग्लू है, और ये देखिए सारी बर्फ ही बर्फ है। बहुत मुश्किल होता है इस बर्फ पे चढ़ना, बहुत ही पैर संभाल संभाल के चलना पड़ता है इसमें। चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कि इग्लू कैसा बना है और कैसा है। और ये देखिए, ये देखिए सारी बर्फ ही बर्फ है, और ये रहा इग्लू जो बना है। और इसमें बर्फ के ऊपर पैर बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। वैसे तो यहाँ जूते मिलते हैं, पर अगर आपके पास स्पोर्ट्स शूज हैं, आपके अच्छे वाले शूज हैं, तो वो भी लेके आ सकते हैं, पहन के आ सकते हैं। पर जो लोग उम्र में हैं उनको पैर बहुत संभाल संभाल के रखना पड़ता है। बच्चे जो है, यंगस्टर्स तो आराम से चल जाते हैं, पर इसमें बर्फबारी हो रही है। देखिए ना, बर्फ भी गिर रही है, और ये बर्फ का इग्लू बना हुआ है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बड़ा सुहाना नज़ारा है और बहुत ही अच्छा व्यू है, देखने में बहुत अच्छा है। ये इग्लू सर्दियों में रहेगा, और फिर मार्च अप्रैल तक ये, फिर जब बर्फ थोड़ी सी स्नो मेल्ट होने लग जाएगी तब ये नहीं रहेगा, मेरे ख्याल 3-4 महीने रहता है। और यहाँ हम आ गए टिकट के इधर, यहाँ इस इग्लू में जाने के 200 रुपये का टिकट है पर पर्सन, 200 रुपये एंट्री फीस है यहाँ पे। और चलिए अंदर चलते हैं। और ये इन्होंने देखिए सब जगह बर्फ ही बर्फ है, और ये इन्होंने बर्फ से ये बाउंड्री बना रखी है अंदर जाने की। और ये आ गए हम इग्लू के बाहर, ये इग्लू, यहाँ लाइट वाइट सब है, रात को भी यहाँ लाइटें लगती हैं, लोग आते हैं रात के 8-9 बजे तक। और ये देखिए अंदर गेट है बर्फ का बना हुआ, और ये मेड इन कश्मीर लिखा हुआ। यहाँ मैंने आपके फोटो खिंचवा ली, ये देखिए मैं हूँ, और ये इग्लू है, और ये देखिए ये कश्मीर का फर्स्ट एंड ओनली है मेड इन कश्मीर, ये इग्लू, स्नो इग्लू है, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। देखिए कितना मतलब बढ़िया सा दिख रहा है। गुलमर्ग में बना दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे, ये होटल व्यवसायी सैयद वशीम शाह ने बनाया है। ये 37.5 फीट ऊंचा और 44.5 फीट चौड़ा इग्लू कैफे है। ये 2 मंजिला इग्लू बनाया गया है, और इस जो इग्लू है, इस बर्फ के इग्लू में 10 टेबल बर्फ की बनाई है, और साथ में बर्फ की ही बेंचेस बनाई गई है। इसमें क्या है, 40 जने जो है एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ कॉफी, चाय, कावा जो एक कश्मीरी ड्रिंक है सर्व की जाती है, साथ में मैगी और थोड़े स्नैक्स भी यहाँ सर्व किए जाते हैं, और आने वाले दिनों में यहाँ पे खाना भी परोसा जाएगा। ये यहाँ के जो ओनर हैं, ये है सैयद वशीम शाह, जो एक बिजनेसमैन है। वो दावा करते हैं कि ये जो इग्लू है ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू है। इससे पहले भी स्विट्जरलैंड में एक इग्लू बना था, जिसकी जो हाइट थी वो थी 33.8 फीट ऊंचा था, और 42.4 फीट चौड़ा इग्लू बना था। और ये जो इग्लू, स्विट्जरलैंड का जो इग्लू था ना, इसको गिनीज वर्ल्ड बुक में भी दर्ज करा रखा है। और वसीम शाह जो यहाँ के ओनर हैं, जिन्होंने ये बनाया है, इन्होंने लास्ट ईयर भी एक छोटा सा इग्लू बनाया था जिसमें 4 टेबल लगाई थी। ये जो इग्लू है, ये 64 डेज में ये इग्लू बनके तैयार हुआ था।
इग्लू रेस्टोरेंट को दिन रात कड़ी मेहनत करके 64 डेज में तैयार किया गया था और इस रेस्टोरेंट को बनाने में 1700 लोगों को लगाया गया था और इसे बनाने का श्रेय स्नो आर्टिस्ट वसीम शाह को जाता है। देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है और यहाँ पे हमें जो इस इग्लू के ओनर है मिस्टर वसीम शाह भी मिल गए थे जो एक बिजनेसमैन है। चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? My name is Mifta Vajit. आपको ये आइडिया आया कैसे? Few years back we were in Switzerland. Switzerland, Zermatt. तो यहाँ लोग आ रहे हैं अभी काफी, अभी तो तीसरा दिन है, तीसरा दिन। पर आपने ये एंट्री टिकट 200 लगाया, वो ठीक लगाया नहीं तो फिर आधा खर्चा तो मिलना चाहिए। और ये इनसे हमने बात करते हुए, ये इधर उधर के स्विट्जरलैंड में रह चुके हैं तो ये बता रहे थे मेरे को स्विट्जरलैंड से आइडिया आया और यहाँ इनसे बात करके और अब नीचे में उतरते हुए देखिए बर्फ की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, दो मंजिला है जैसे आप दिख रहा है। देखिए नीचे भी बर्फ है, बहुत सावधानी से उतरना पड़ता है, डर लगता है, तो आराम से ध्यान से उतरते हुए। और ये देखिए भेड़ों की खाल लगाई हुई है, एक शोपीस तैयार करके रखा था, देखिए कितना बढ़िया है। यहाँ हमने फोटो खिंचवाने के लिए रुके हुए थे पर यहाँ इसको शोपीस को हाथ नहीं लगाने देते क्योंकि फिर हाथ लगाने से के स्नो मेल्ट होने के रहते। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा इन्होंने तैयार किया, मेहनत तो खूब की है इसमें। जाली बनी हुई है इसकी, जो दीवार में जाली भी इन्होंने बर्फ की बना रही है। तो ओवरऑल ये बहुत सुंदर था, बर्फ की टेबल, बर्फ की बेंचेस, उसके ऊपर भेड़ की खाल लगाई हुई ताकि किसी को ठंडा नहीं लगे, और कॉफी, चाय, कावा, मैगी सब मिल रहे हैं यहाँ पे जिनको खाना है। अंदर झाड़ फनूस, देखिए ऊपर झाड़ फनूस भी लगा हुआ था, लाइटें भी थी अंदर। और यहाँ निकल गए, हमने देख लिया अच्छा था। और ये देखिए बाहर बर्फबारी हो रही है, बर्फ अभी भी गिर रही है। और हम बाहर की तरफ जाते हुए ये इनकी बाउंड्री वॉल बनी हुई है और यहाँ से एंट्री है, गेट बना रखा है एंट्री का ताकि लोग बाग जो भी आए वो इस गेट से एंट्री करें, क्योंकि टिकट है ना यहाँ 200 रुपये का, तो जो भी यहाँ आ रहा है तो इसका अंदर जाने का एंट्री टिकट है 200 रुपये। तो आपको यहाँ 200 रुपये इग्लू में जाने के चार्जेस हैं, प्लस चाय, कॉफ़ी, कावा या कोई स्नैक्स या मैगी खाएंगे तो उसके चार्जेस अलग हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, सब जगह सफ़ेद ही सफ़ेद, जहाँ देखो वहाँ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। और बर्फ़ गिरती हुई, बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही मज़ा आ गया यहाँ आके। देखिए दिख रहा है ना, यूं ही नहीं कहते कश्मीर को स्वर्ग, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई जन्नत में आ गए हो, कितना बढ़िया ये है कश्मीर है। तो हमने आज आपको इग्लू दिखाया, कितना बढ़िया था। और जब भी आप आए तो अगर सर्दियों के दिन आ रहे हैं, अप्रैल तक शायद ये रहेगा, उसके बाद ये जैसे जैसे स्नो मेल्ट होगी तब शायद नहीं रहेगा। उसके बाद तो जब भी आप आए तो अगर सर्दियों में आ रहे हैं तो इग्लू देखने आए। और ये हम आ गए बाहर, यहाँ पे गाड़ियाँ आते हैं, देखिए कितनी भीड़ है। तो ये है इग्लू कैफे, दुनिया का लार्जेस्ट कैफे, अपने हमारे देश में बना, इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन कश्मीर। चलिए चलते हैं, मैं भी बर्फ से मेरे ऊपर खूब अच्छी बर्फबारी हो गई है और गाड़ी में बैठ रही हूँ और हम अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा।
जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।